हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ क्लोबेटा जीएम क्रीम के बारे में। ये क्रीम में एलर्जी के डिसऑर्डर को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्रीम के क्या फ़ायदे, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सब की जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास पहुंची रहे। तो गाइस, ये क्लोबेटा जीएम क्रीम में 10 ग्राम की है। अप्रॉक्स 50 रुपीज़ में आपको इजीली कोई भी केमिस्ट स्टोर में मिल जाएगी। ये क्रीम को मोस्टली लोग फेयरनेस पाने के लिए यूज़ करते हैं, पिंपल के लिए यूज़ करते हैं। फ़ायदा भी मिलता है नो डाउट। खुद तो यूज़ करते हैं, दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं बिना जानकारी के, और किसी किसी को साइड इफेक्ट का सामना भी करना पड़ता है। इसमें मेन की इंग्रेडिएंट क्लोबेटाजोल, मिकोनाजोल, नियोमाइसिन, जिंक, बोरेक्स। क्लोबेटाजोल एक स्टेरॉइड है। इसका काम होता है स्किन के सूजन को कम करना, रेडनेस को कम करना, खुजली को कम करना। मिकोनाजोल एक एंटी फंगल है, स्किन पे फंगल इन्फेक्शन को फैलने नहीं देता है। नियोमाइसिन इसमें एंटीबायोटिक एजेंट पाया जाता है जो ट्रीट करता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन को, स्किन में होने वाले बैक्टीरिया को फैलने नहीं देता है। बोरेक्स में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। जिंक मेंटेन करके रखता है, सेल्स के बीच में इंटरग्रेटिव होती है उसको मेंटेन करके रखने का काम करता है। ये क्रीम का यूज एलर्जिक डिसऑर्डर को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्याओं को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, उस टाइप के इन्फेक्शन में भी ये क्रीम का यूज किया जाता है। गाइस, ये क्रीम को यूज करने से एक्ने, पिंपल भी बहुत जल्द ठीक होते हैं। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इसका रिजल्ट बहुत ही फास्ट है, लेकिन एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ये क्रीम का यूज करना चाहिए। इसको फेनेस क्रीम की तरह यूज नहीं करना चाहिए। एक बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आप इसे फेस पर अप्लाई करते हो तो ये एक स्टेरॉइड क्रीम है। इसके कुछ साइड इफेक्ट है जैसे कि स्किन का पतला होना, सेंसिटिव होना, चेहरे पे फेशियल हेयर का ग्रोथ होना, ये सब साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। बात करिए इसे यूज़ कैसे करना, तो इसे आपको दिन में दो बार यूज करना है। पहले अपना हाथ को अच्छे से साफ करके थोड़ी सी क्रीम लेके फंगल इन्फेक्शन वाला एरिया में आपको यूज करना है। यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। डॉक्टर आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं कि कब तक और कितना यूज करना चाहिए। तो गाइज, यही थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो। मेरी रिव्यू अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।